नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24 न्यूज। इस समय हम सदर थाने में खड़े हैं, आप देख सकते हैं, और बताया जा रहा है एक बड़ा मामला सामने आया। आज तीन जगहों से मोटरसाइकिल चालक, जो कि मोटरसाइकिल पर लगभग दो लोग थे, और करनाल की तीन लोकेशनों पर उन्होंने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। बता दें जिस बाइक पर वो मौजूद थे वो एक अपाचे बाइक है, सफ़ेद रंग की, और बता दें कि सबसे पहली वारदात उन्होंने घोगड़ीपुर फाटक के पास ही की। उसके बाद जो है सेक्टर 6 के अंदर जो है उस वारदात को अंजाम दिया, और मुगल कैनाल करनाल की एक और लोकेशन पर भी वारदात को अंजाम दिया। तीन जगहों से लगातार आपको हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिन लोकेशनों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक अपाचे बाइक पर दो लोग हैं जिसमें हेलमेट डाला हुआ है, और वहां पर जो है फिलहाल किस तरीके से वो बाइक है, वो पूरी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप सभी से निवेदन करेंगे, घर से बाहर निकलते हैं ध्यान से निकलिए, क्योंकि ये लोग एक दिन में तीन तीन वारदात को अंजाम देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये लोग किस तरीके से सतर्क हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बाइक दिखाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको वो अपाचे बाइक दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए, सफेद रंग की बाइक है और हेलमेट पहना हुआ है व्यक्ति ने। मैं आपको तस्वीरें बारी बारी से दिखा रहा हूं जिन लोकेशंस पर पुलिस पहुंचकर, बता दें कि सेक्टर 6 के अंदर भी जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंचकर भी उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, जहां से पुलिस की टीमें जो है वो खंगालने की कोशिश कर रही थी सीसीटीवी फुटेज। और यहां पर आप देख लीजिए किस तरीके से दो इसके अंदर आरोपी हैं, दोनों के ही चेहरे कवर्ड हैं, एक ने मुंह पर कवर किया हुआ है और एक ने हेलमेट पहना हुआ है। अपाचे बाइक, ये वो तस्वीरें हैं जब उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और किस तरीके से तीन जगहों से चेन स्नैचिंग की वारदात हुई है। बता दें कि पहले भी इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो चेन स्नैचिंग की वारदात को लगातार अंजाम जो है वो दे रहे थे, लेकिन एक साथ एक ही दिन में तीन लोकेशनों पर लगातार एक ही बाइक चालकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। काफी ज्यादा हैरानी वाला मामला, लेकिन अभी उन्हें पकड़ना बाकी है। उन्होंने पकड़ने के लिए पुलिस के अंदर लगातार शिकायतें जो हैं जब एक के बाद एक आनी शुरू हुई तो पुलिस भी काफी ज्यादा हैरान हुई, लेकिन अभी पुलिस ने उन्हें पकड़ने के प्रयास जो है वो जरूर कर रही है। हालांकि उनका नंबर जो है वो सीसीटीवी फुटेज में सही से नहीं आ पाया है। दोस्तों, जो मैंने तस्वीर आपको दिखाई है इसी बारे में हम सीधा बात करते हैं जो SHO मनोज हैं सदर थाने के, उनसे बात करते हैं। हालांकि हमारी बात सेक्टर 6 चौकी इंचार्ज जो है उनसे भी हुई थी, उन्होंने कहा टीमें लगी हुई हैं और यहां पर जो है फिलहाल सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं और घरों के भी ढूंढे जा रहे हैं ताकि बाइक का नंबर ट्रेस हो सके। हालांकि वो सही है या गलत है ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि पता जरूर चल सकता है कि आखिर वो कौन लोग हैं। लेकिन फिलहाल सीधा हम बात करने का प्रयास करेंगे जो सदर थाने के SHO हैं, इस बारे में क्या कुछ के पास शिकायत आई थी, क्योंकि घोगड़ीपुर फाटक के पास जब ये वारदात आई तो वो मामला इसी थाने के अंदर आया, जिसके बाद एक के बाद एक जो वारदातें पहले भी हो चुकी उसके बाद जो हुई हैं, तो कहीं ना कहीं करनाल के अंदर जरूर जो है हड़कंप मचा और लोग बड़े हैरान हुए। आपको सीधा ले चलते हैं, सीधा बात करते हैं सदर थाने के SHO मनोज जी से। करनाल में तीन जगह घोगड़ीपुर फाटक पे करीब 8 बजे तीन बच्चे सैर करके आ रहे थे, तो एक मोटरसाइकिल पर दो लड़के आए, उन्होंने अचानक से उनकी गले में पहनी हुई चैन को छीन के लेके हमारे को लिखित शिकायत मिली थी, जिस पर हमने पर्चा दर्ज कर दिया। इसके संबंध में हमने नाकाबंदी वगैरह की थी और शहर में लगे कैमरे को के बारे में भी हमने सर्च अभियान चला दिया है। अतिशीघ्र इसमें आरोपी को पकड़ कर कार्रवाई की जाएगी। सर, बता रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन्होंने लगभग तीन वारदातों को अंजाम दिया है एक दिन के अंदर। हाँ, करनाल में उन्होंने ऐसी तीन घटना को अंजाम दिया। तो सर, क्या कुछ हुलिया है उनका, क्या था, किस बाइक पर थे, कुछ पता लगा सर? हाँ, ये जो कैमरे में देखने पर लग रहे हैं तो जो लड़के था बाइक ब्लैक कमीज पहना हुआ था और अपाची मोटरसाइकिल थी विदाउट नंबर प्लेट। अच्छा, कोई नंबर नहीं आया सर कुछ? अभी कोई नंबर नहीं आया, लेकिन हम आपका आगे तक कैमरे चेक कर रहे हैं, तो अतिशीघ्र इसको गिरफ्तार। सर, तीनों जगह पर सेम ही लड़कों ने अंजाम दिया मामले को? सेम ही लड़कों ने। बताया भी जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर अंदर ये तीनों वारदातों को अंजाम? हाँ, कुछ ही समय के अंतराल में ये घटना हुई। सर, मोबाइल नंबर अपना जो नंबर है बाइक का, क्या वो पता लग पाया है? नहीं, अभी तक कोई मोबाइल नंबर, सिर्फ इतना ही अपाचे बाइक थी। और रंग क्या था सर उसका, कुछ ऐसा पता लगा है बाइक का? ओ, क्लियर सा नहीं हो रहा। नहीं सर, लगभग सुबह कितने बजे का मामला है? करीब 8 बजे का। तो क्या अपील करना चाहेंगे सर करनाल के लोगों को, सतर्क रहने की जरूरत है? जो सुबह सैर करने निकलते हैं बुजुर्ग भी युवक भी, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? गोल डाल कर ना निकले सुबह सुबह ऐसा कुछ? हाँ, ये तो है भाई, गोल डाल के ना निकले, तो हमारी तरफ से भी और SP साहब के तरफ से भी ऐसे फैसला आ गया, हम इसमें सुबह गश्त बढ़ाएंगे, हमारी पुलिस भी सिविल में इसमें गश्त करेंगी, और जहाँ पर हमें ये लगता भाई यहाँ पर सैर ज़्यादा आदमी करते तो उनके बीच में हम पुलिस के कर्मचारी भी छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं इस समय हम थाना सदर के अंदर मौजूद हैं और जिस तरीके से बता दें कि मामले लगातार सामने आए एक ही दिन के अंदर,
तीन जगह पर चेन स्नैच करने के अपने आप में बहुत ही हैरानीजनक है, लेकिन जल्दी ही जो है धरपकड़ आरोपियों की कर ली जाएगी। लेकिन यहां पर बता दें कि तीन तीन जगहों पर एक साथ किस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर बाद वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर सबसे पहली वारदात जो है वो की गई घोघड़ीपुर के फ्लाईओवर पर। आप सभी से निवेदन करेंगे इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।